त्रिपुरा में एडीसी चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है। त्रिपुरा मोथा ने इसके लिए तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महाराजा प्रद्युत किशोर देव वर्मन ने क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होकर एडीसी चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। पत्रकारों से बात करते हुए महाराजा प्रद्युत देव वर्मन ने बताया कि उन्होंने अब तक 5 क्षेत्रीय पार्टियों से बात की है और 5ों क्षेत्रीय पार्टियों ने त्रिपुरा मोथा के साथ मिलकर एडीसी चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। इस दौरान त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष ने सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी के लिए भी मित्रता के द्वार खुले रहने की बात कही। आप सबको मालूम होगा कि आई अपील टू ऑल द रीजनल पार्टीज टू कम टुगेदर अंडर वन प्लेटफॉर्म एंड फाइट द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पोल्स। हमारा इशू ग्रेटर केपी लैंड का है, उसमें मेजर डेवलपमेंट्स हुआ है। हमारे पास अभी 3 रीजनल पार्टीज हैव अग्रीड टू मर्ज विथ त्रिपुरा and come under the banner of Tipra. There has been an offer from another regional party to ally with Tipra. And just today morning, I've got another information that another very big political organization has decided to support Tipra in the upcoming ADC election. Those jisko maine ek hafte ka notice diya tha, main aaj bhi appeal kar raha hoon, अगर आप नेशनल पार्टी के संग अलायंस कर सकते हैं, अगर नेशनल पार्टी के संग विदाउट कोई एजेंडा होकर आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं, तो अगर हम लोग रीजनल पार्टीज एक होकर एक आवाज़ में हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए इलेक्शन में हम लड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आईपीएफटी से बहुत लीडर से मेरा बात हो रहा है। एनसी बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर से उनसे बात करूँगा। मेवाड़ से मेरा बात हो रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, लेकिन मैं आईपीएफटी को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए, आप बीजेपी के संग अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। आईएमपीटी ने एक ऑफर किया है अलायंस के साथ। मैंने आईएमपीटी को कहा है कि पहले आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, मोर पावर टू एडीसी नहीं चलेगा। अगर आप मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और ये जो अलायंस होगा, ये सिर्फ एडीसी तक नहीं होगा, ये एडीसी से लेकर 2023 तक होना चाहिए।